गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, जैसे मैंने ड्रेस पहनी है वैसा ही मेकअप करेंगे। इसमें है येलो कलर, रेड, येलो और रेड ज़्यादा है, तो वही हम आई मेकअप लुक क्रिएट करेंगे। और मैंने जो लुक मैंने सोचा है वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे ना यहाँ पे शाइयाँ वगैरह थी, तो काफ़ी ज़्यादा लाइट हो चुकी हैं। इसके लिए मैं ना कुछ यूज़ करी हूँ, वो आप पूछोगे तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और ये निशान थे ना थोड़े, ये भी लाइट हो रहे हैं, तो सबसे पहले करते हैं मैं ये यूज़ करती हूँ। और इसमें से आप कोई भी शेड ले सकते हो, आराम से हो जाएगा। लाइट आपको लाइट कलर लेना है तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। और इसको मैं हैंड से ब्लेंड कर दूंगी पूरी तरह, और जहाँ जहाँ पे आपको लगता है इसकी ज़रूरत है तो आप वहाँ वहाँ इसको जो है लगा सकते हो आप, और ये देख सकते हो। और मैं यहाँ पे लाइट्स हैंड से, फिंगर से मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी, आराम से ये ब्लेंड हो जाएगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। ये है फिट मी की, और मेरा शेड है 128, और एक ही ड्रॉप लूँगी मैं और इसको ही पूरे फेस पे मैं इसको स्प्रेड करूँगी। ये कंसीलर ये वाला, और इसको ही लगाऊँगी। ये मैंने पहले भी यूज़ किया है, दो बार मैंने इसको यूज़ किया है, तो इसकी टोन ना येलो येलो है, तो लाइट सी येलो जो होता है ना वो वाला। और बट इस ये कंसीलर ना बहुत अच्छा वाला लगता है, एकदम जैसे गोल्डन गोल्डन होता है ना ऐसे लगता है। वह है इसमें और भी आपको शेड मिल जाएंगी, जैसे आप इसी में से करूंगी। देखा आपने, सारा मेकअप जो है इसी में से आपको हो जाएगा, और अलग से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्टोर भी इसी के साथ में करूंगी फेस को, ऊपर जाएगा यहाँ पे। ये आपको ज़्यादा लग रहा होगा, बट जब मैं इसके साथ ना कॉम्पैक्ट से इसको करूँगी तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। इसको ब्लेंड करते पहले मैं कंटूर को ब्लेंड करूँगी, और इसके बाद मैं शेप दे सकते हो, इसी के साथ मैं कंटूर जो है करूँगी। ये कॉम्पैक्ट यूज़ करूँगी, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ ना एक बहुत ही एक ऐसे लगता है नहीं कुछ आपने मतलब पाउडर वगैरह यूज किया है, बाल आ गए, छोटे बाल मैंने करा। ये वाला कलर ऑरेंज, और ऊपर ही रखना है इसको, ब्लेंड करना है। थोड़ा थोड़ा आप कलर लोगे और साथ में ब्लेंड करोगे ना तो बहुत अच्छा एक ना ट्रांजिशन सा लुक आएगा आपकी आईज पे भी, रेड सा। और उसको ना क्रीज पे रखूंगी यहाँ पे, और टैप टैप करूंगी। ये हाफ ग्लिटर जो है ना येलो कलर का ये लूंगी, और फिंगर से ही मैं इसको ना लगाऊंगी। बहुत ही अच्छा शेड है, मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, ये देखो बहुत ही अच्छा शेड है। ये रेवोल्यूशन का पैलेट है, और इसी में से आपको ये वाला कलर येलो मेरे पास नहीं था जो है ना, इसको मैं ब्लेंड कर दूंगी तो लुक क्रिएट करेंगे। डन, और मैं अभी आती हूँ आपके साथ। डन, आप देख सकते हो कितना अच्छा मेकअप हुआ है। और इसके बाद मैं हाइलाइटर अप्लाई करूँगी, ये है वेट एंड वाइट का, और मैं यही यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है। और जितना आपको ग्लो चाहिए आराम से आपको मिल जाएगा।
तो ये रहा मेरा फाइनल लुक का, आप देख सकते हो मेकअप कितना अच्छा हुआ है, आई मेकअप और पूरी लुक कितनी अच्छी आ रही है आई मेकअप। कितना अच्छा मेकअप हुआ मैंने अभी आपको नेचुरल लाइट में आपको दिखाया है, कितना अच्छा और स्मूथ मेकअप हुआ है, आई मेकअप खास करके बहुत अच्छा हुआ। आप भी ऐसा लुक क्रिएट कर सकते हो और देख के आप जरूर क्रिएट करना और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है अपना आई मेकअप। अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो और इसकी आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तब तक बाय।